हेलो प्यारे बच्चों, लो फिर हम आ गए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर। आप भी इस कहानी को मेरे साथ पढ़ना और इसका आनंद लेना। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। ये कहानी है, जब आप स्कूल को पहले दिन आते हैं तो एक छोटी बच्ची होती है, वो भी जब अपने पहले दिन स्कूल जाती है तो उसको कैसा फील होता है, उसके साथ क्या क्या होता है, तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, स्कूल का पहला दिन। स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। माँ मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और मेरे साथ चल रही है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कहती हूँ। चलो चलो, माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बस से आते हैं, कुछ कार से आते हैं, कुछ रिक्शे से आते हैं, कुछ साइकिल से और कुछ पैदल आते हैं मेरी तरह। हम फाटक तक पहुँचे, माँ मेरा हाथ छोड़ती है। वह गेट पर रुक गई, मुझे अंदर अकेले जाना है। मेरे चारों तरफ बहुत से अनजान चेहरे हैं। मैं एक कदम चलती हूँ, मैं दूसरा कदम बढ़ाती हूँ, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, माँ छोटी दिखती जाती है। क्या वह गायब हो जाएंगी? मैं दौड़कर उनके पास जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ, मत जाओ। सभी अंदर आ चुके हैं, सिर्फ मैं बाहर हूँ। टीचर दीदी बाहर आती हैं, वे मुझे देखकर मुस्कुराती हैं, मैं भी मुस्कुराती हूँ। माँ कहती हैं, रानी जब तुम बाहर आओगी मैं यहीं मिलूँगी। मैं उनका हाथ छोड़ देती हूँ, वह हाथ हिलाती हैं। मैं दौड़कर अंदर जाती हूँ, माँ छुट्टी होने पर वहीं मिलेंगी। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म। कहानी मज़ेदार थी ना, तो इसे आप भी अपने दोस्तों को लाइक शेयर करना न भूलें और इसको लाइक भी कर दें। तो इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।